क्या बात है आपका, यहाँ पर इस तरह खामोश क्यों बैठी है? सानिया की वजह से परेशान हूँ, मुझे डर है शहरयार हम अपनी बेटी को खो देंगे। नहीं, तुम माँ हो उसकी, तुम उसे समझा सकती हो। देखो, अगर कोई बच्चा चांद मांगे तो उसको चांद लाकर तो नहीं ना देते। वो बहुत बदल गई है शहरयार, इतनी जज्बाती वो पहले कभी भी नहीं थी। अजलान के इनकार को दिल पे ले लिया उसने। सुने, वो बीना के जाने से अकेली भी तो बिल्कुल हो गई है। जब बीना यहाँ होती थी तो दोनों हंस खेल लेती थी, एक दूसरे का दुख दर्द बांट लेती थी। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जाके बीना को ले आता। बीना कोई डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई पीर फकीर है जिसके आते ही हमारी बेटी के सारे दुख खत्म हो जाएंगे। मेरी बात सुनो, बीना जो है वो उसकी सहेली है, वो दोनों हम उम्र हैं। अरे, और वैसे भी शुरू से बीना जो है उसका ख्याल रखती आई है। बीना डायन है, जाते जाते हमारी बच्ची की खुशियां भी ले गई साथ। आज सानिया जिस हाल में है ना, वो उसी मनहूस की वजह से है, और आप कह रहे हैं कि ख्याल रखती है। हाँ, रखती है ख्याल, और अब भी आएगी तो उसका ख्याल रखेगी वो। तुमने जो अपने दिल में ये सारा जहर भर रखा है ना, तुम्हें उसकी कोई अच्छाई कभी नजर आ ही नहीं सकती। आप और आपकी बेटी देख लेते हैं ना, काफी है। अच्छाई नजर आ ही नहीं सकती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम चची जान, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक हूँ, क्या बात है? वो मैं सानिया को कॉल कर रही थी, काफी देर से उठा नहीं रही, वो सो रही है वो। अच्छा चलो ठीक है, मैं फिर थोड़ी देर में कॉल कर लेती हूँ। बाद में फोन करने की जरूरत नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ उसकी तबीयत को? कह दिया ना तबीयत ठीक नहीं है, अब क्या रिपोर्टें करवा के भेजूं तुम्हें? उसको कॉल ना करना, यही बेहतर है। और मुझे भी फोन करने की जरूरत नहीं है, डिस्टर्ब मत किया करो हर वक्त मुझे। सानिया की तबीयत को क्या हुआ? अजान साहब, काम पे ध्यान दो, आपका काम पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। आज रात हर हाल में कंसाइनमेंट जानी चाहिए। जी सर। सानिया कौन है? वैसे मैंने तुम दोनों की कल बातें सुन ली थी फोन पे। कजन है मेरी। कजन? जिस तरह से वो फोन पे तुम्हारे साथ आके लड़ रही थी ना, मुझे तो कुछ और ही शक पड़ रहा था। क्या शक पड़ रहा था? पसंद करती है वो तुम्हें? एक लड़की एक लड़के के लिए तभी पोजेसिव होती है जब उसके दिल में कुछ हो। खैर, कभी बताया नहीं तुमने इस बारे में। बताने की कोई बात ही नहीं है, दोस्त है मेरी। दोस्त? अभी तो कह रहे थे कजन है। मेरी खाला की बेटी, मेरी खाला चाहती है मेरी शादी उससे हो जाए। और तुम क्या चाहते हो? सर प्लीज,
मुझे इस बारे में बात नहीं करनी। वाकई सर? प्लीज ओके चलती हूँ मैं। एक तरफ यहाँ रमशा मेरी दुश्मन बनी हुई है और दूसरी तरफ सानिया अजलान की वजह से परेशान। समझ नहीं आ रहा खुद को संभालूं, इस घर को संभालूं या सानिया को। ऊपर से चची जान ने अजलान से बात करने के लिए भी मना कर दिया। तू किन ख्यालों में सैर हो रही है आपकी? शुक्र है वापस आ गई। कहीं नहीं, बस वो सानिया की याद आ रही थी। चाचा जान से बात हुई थी, कह रहे थे मेरे जाने के बाद काफी उदासी हो गई है वो। ओके, अगर ऐसी बात है तो चलते हैं वहां। नहीं नहीं, लास्ट टाइम भी याद है ना आपको अम्मी जी कितना नाराज हो गई थी। अभी हम थोड़ा ठहर के ही जाएंगे। बहन भाइयों से मिलने में देर नहीं करनी चाहिए भी ना। और जहां तक ताल्लुक है मॉम का, एक साल बाद भी अगर हम मिलने गए ना तो मॉम को ऐसे ही एतराज होगा, तो अच्छा है ना हम अभी चले जाते हैं। अब अम्मी जी के ना खिलाफ होते जा रहे हैं। अल्लाह ना करे कि मैं अम्मी जी के खिलाफ हूँ भाई, सिर्फ उनकी जिद के खिलाफ हूँ। जिस दिन वो अपनी जिद छोड़ देंगे और तुम्हें कबूल कर लेंगे ना सच्चे दिल से, मुझे कोई एतराज नहीं है। सलाह करेंगे तो चलती हैं आज। आमीन। सो इंतजार करूं आपके रेडी होने का, फिर चलते हैं। निहाल कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी शहरयार अंकल के घर जा रहे थे। फॉलो के? अच्छा वो एक्चुअली मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था, पहले मुझे वहां ले जाओ, उसके बाद जहां जाना हो चले जाना। हम आपकी अपनी गाड़ी कहाँ पे? वर्कशॉप गई है। हाँ निहाल आप अम्मी जी को ले जाइए, हम फिर कभी चले जाएंगे। तुमने सुबह ही तो फोन पर बात की है उनसे, जल्दी याद आ गई उनकी? क्या बहुत जल्दी उदास हो जाती है उनकी बारे में? नहीं अम्मी जी, मैं तो निहाल को मना कर रही थी, निहाल ने जिद की मुझसे। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि कौन जाना चाह रहा था और कौन नहीं। मॉम बीना बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तो मना कर रही थी मुझे, मैं ही जिद कर रहा था कि चलो। बीना लिसन, तुम थोड़ी देर यहाँ पे रुको, मैं मॉम को लेके वापस आता हूँ, फिर चलते हैं। ओके चले आए। क्या हुआ, निहाल अकेला ही छोड़कर चला गया? Really sad. निहाल तुम्हें अजलान के बारे में पहले से पता था? उसके बावजूद तुमने बीना से शादी कर ली? हाँ हाँ मॉम, क्योंकि बीना उसे पसंद नहीं करती थी। हो सकता है बीना ने तुमसे झूठ बोला। बीना झूठ नहीं बोलती। निहाल तुम्हारी आंखों पे ना बीना की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है, तुम्हें तो ये भी बुरा नहीं लग रहा कि अजलान उसे पसंद करता था? नहीं मां, क्योंकि इंसान कभी भी किसी को पसंद कर सकता है, इस पे तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते ना। हाँ मुझे बुरा लगता
अगर बीना भी उसे पसंद करती होती या फिर हमारे रिलेशनशिप के बाद भी उसका कोई ताल्लुक होता अजलान के साथ। निहाल मॉम, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप ये सब बातें इस वक्त क्यों लेके बैठ गई। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि तुम बीना को अब चलता करो। तुमसे झूठ बोलकर उसने तुम्हें तो मुतमईन कर दिया है, लेकिन लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मॉम, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। All I care about बीना। मुझे अपनी जिंदगी लोगों के साथ ही बीना के साथ गुजारनी है। तो फिर ऐसा करो कि बीना की बदनामी की पोटली सारी जिंदगी अपने साथ लेकर घूमते रहो। मॉम, फॉर गॉड्स सेक, आप मेरे सबर का बहुत इम्तिहान लेती हैं। निहाल, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। गाड़ी वापस लो, मैं कह रही हूँ गाड़ी वापस लो। असल में आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं था, आप मुझे इसलिए लेके गई थी ताकि आप बीना के बारे में बात कर सकें उससे। मेरी बात का उल्टा मतलब मत निकालो निहाल। मॉम, आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये हर सीधी बात को उल्टा कर पेश मत कीजिए। बीना अब मेरी बीवी है और ये जो महाज खोल रखा है ना आप लोगों ने उसके खिलाफ, बंद कीजिए इसको। उठो चलो। निहाल, क्या हुआ, जल्दी क्यों वापस आ गए? मैं कह रहा हूँ ना चलो। वह क्या, आप तो हॉस्पिटल गए थे ना मम्मी जी को लेके। बिना तुम चल रही हो कि नहीं? निहाल, मेरा दिल घबरा रहा है, आपको हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ, चलो। निहाल, मना किया था ना मैंने तुम्हें कि यहाँ मत आना दोबारा, तो फिर आ गई। चाची जान ने कॉल की थी कि सानी आई, उसी से मिलना आई थी बस। बहाना मिलते ही दौड़ी चली आई यहाँ पर। इज्जत नफ्स नाम की भी कोई चीज है तुम्हें, या डिटाई बिल्कुल ही खोल के पी लिया तुमने? सानिया के बगैर रह नहीं सकती मैं, प्यार करती हूँ उससे बहुत ज्यादा, जान छोटी बहन है वो मेरी। अगर तुमने हमेशा के लिए इस घर में आना छोड़ दिया ना, शायद मैं यकीन कर लूं कि तुम उससे प्यार करती हो और उसे छोटी बहन समझती हो और उसकी खैर खाह। थोड़ी देर के लिए तो आती हूँ, देर के लिए भी बर्दाश्त नहीं हूँ मैं। नहीं, एक पल के लिए भी नहीं, एक लम्हे के लिए भी नहीं। Uncle, this is really heartwarming.
इस तरह बाप और बेटे का प्यार देख कर। क्यों, क्या हो? अंकल मेरी कोई बहन नहीं है ना, इसलिए अगर होती तो शायद मैं देख लेता। अरे भाई, इस मामले में मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अल्लाह ने मुझे एक बार नहीं बल्कि दो दो बार नवाजा। सानिया किधर है? बेटा वो अपने कमरे में, मैं उससे मिलकर आती हूँ। हाँ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही है वो कब से। जी आप लोग बैठे, मैं आती हूँ उससे मिलकर। जाओ बैठ। अरे भाई, बेटी और दामाद घर आए हैं, कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जी जी जरूर। सानिया, क्या हुआ है? बीना, ये क्या हुआ बेबी? ये क्या बनाया तुमने? क्या हुआ है? मैंने खुद नहीं बनाया, मोहब्बत ने बनाया है मेरा यहाँ। तो लोगों को खुश कर देती है ना बीना, मुझे तो खा गई है मोहब्बत। कहते हैं जिस इंसान को मोहब्बत नसीब हो वो खुशकिस्मत होता है। मुझे लगता है उस इंसान से ज्यादा बदकिस्मत कोई नहीं। सानिया तुम क्या होगी मेरी जान, तो तुम इतनी जज्बाती हो जाओगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्योंकि मैं जज्बाती थी बीना, सबर सिर्फ तुम में था। देखो मुझ बेसब्री का क्या हाल बन गया। चुप हो जाओ, खुदा पर भरोसा रखो, ठीक हो जाएगा। I promise. रो नहीं प्लीज। ठीक कहेंगी, हर दो चार दिन के बाद निहाल को लेके पहुंच जाती है यहाँ पर। ना डर रही है, ना ब्लैकमेल हो रही है। मेरी किस्मत की खराबी ये है कि मैं निहाल को अजलान और इसके करतूत भी नहीं बता सकती, वरना तुम रमशा से ऐसी दुर्गत बनवाती ना इसकी, याद करती हमेशा। अब अगर आ ही गई हो ना अजाब बनके, तो सानिया के दिमाग में किसी किस्म का खन्नास बनने की कोशिश भी मत करना, समझ गई? चाची जान, मैं ऐसा क्यों करूंगी? उसकी मासूमियत का फायदा उठाने के लिए और क्यों करोगी? यही तो करती आई हो तुम हमेशा से। चाची जान, मैं क्या करती आई हूँ, मुझे वो जताने की जरूरत नहीं है। सानिया मेरी बहन है और सगे होने के नाते जो मैं कर सकती थी वो मैं कर रही हूँ। सब समझती हूँ मैं। पहले तो दीमक की तरह उसकी खुशियों को खा गई, सगी बनने का ड्रामा रचा रही है मेरे सामने। मैं सब समझती हूँ बीबी, तुम अब भी सानिया के बहाने अजलान के करीब होने की कोशिश कर रही हो। चाची जान प्लीज, नहीं ऐसा मत कही। मेरी निहाल से शादी हुई है, मैं
बहुत खुश हूँ उनके साथ। प्लीज मुझ पे ऐसा इल्जाम मत लगाइए। प्लीज मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। मेरे दिल में कोई चोर नहीं है, इसलिए मुझे कोई डर भी नहीं। इसी तरह जबान चलाती होगी ना वहां भी, इसलिए तो रमशा आई थी मेरे पास। रमशा आई थी? ना सिर्फ रमशा आई थी बल्कि मुझसे मदद मांग रही थी तुम्हें उस घर से निकलवाने के लिए। ये जो दो चार लोग हैं ना जिन्हें तुमने बेवकूफ बना रखा है, जो तुम्हें सर आंखों में बिठाए रखते हैं, उनके अलावा सारी दुनिया नफरत करती है तुमसे, जान छुड़ाना चाहती है तुमसे। लेकिन तुम इतनी ढीठ हो कि ना उनकी जिंदगी से दफा होती हो ना मेरी जिंदगी से निकलती हो। मनहूस घड़ी थी जब तुम्हें इस घर में लेके आए थे, जिंदगी अजाब करके रख दी। ये एहसानों का बदला दिया है हमें। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। जल्दी से खाओ, जल्दी से पियो, ठीक हो जाओ, मैं जाऊं यहां से। क्या घर जाने की बातें कर रही हो? इतनी मुश्किलों से दिल बहला है मेरा, तुम फिर से उदास कर रही हो मुझे। उदास क्यों हो रही हैं? एक ही शहर में रहते ना, जब बोलू कि आ जाऊंगी तो। नहीं, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। ऐसा नहीं हो सकता ना मेरी जान, मेरी जरूरत है वहां, मुझे जाना होगा। निहाल भाई आप प्लीज इसे कहें ना कुछ दिन मेरे पास रुक जाए। निहाल आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगे। क्यों नहीं भाई, सानिया को यहाँ पे तुम्हारी जरूरत है भी ना। पर कुछ नहीं, आप यहीं रहेंगी मेरे साथ। ठीक है, अगर अपने साथ रखे तो फिर आपको मेरी बात ही माननी पड़ेगी। आ कर लीजिए, खाए आ। निहाल आप सानिया की हर बात क्यों मान लेते हैं, क्यों रुकने पर राजी हो जाते हैं, मना क्यों नहीं कर देते उसे? भाई वो तुमसे इतना प्यार करती है, मुझे अच्छा लगता है उसे इतना खुश देखकर। वो तो सब ठीक है लेकिन मुझे अम्मी जान के ना गुस्से से डर लगता है। वैसे कमाल लड़की हो, मैके पे रुकने पर इतना उदास हो रही हो। भाई मेरे दोस्तों की बीवियां तो लड़ती है मैके में रुकने के लिए। हेलो अमन, गिव मी 2 मिनट्स, मैं आता हूँ। अरे आ रहा हूँ ना। ओके लिसन, अपना ढेर सारा ख्याल रखना और मुझे कॉल करती रहना। ओके चलो चलता हूँ मैं, टेक केयर। वैसे कितनी चालाक है ना, कोई भी उसके खिलाफ कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। एक आरफा आंटी से उम्मीद थी पर उन्होंने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। अरे और क्या मदद करती वो, शादी से पहले उसने सब कुछ तो बता दिया था। लेकिन निहाल फिर भी शादी करके उसे यहाँ ले आया। पिता ने बिना ने ना निहाल पे कौन सा जादू कर रखा। मैं मारिया से बात करती हूँ, वो एक पीर साहब को जानती है। मैं उसे कहूंगी कि उन्हें घर पर ले आए या फिर मैं चली जाती हूँ उनके पास, आखिर पता तो लगाऊं कि चक्कर क्या है। अरे आंटी जादू से मतलब मेरा वो तावीज धागे नहीं थे,
इन बातों पे मैं यकीन नहीं रखती। हाँ नहीं रमशा, मुझे तो कुछ ऐसा ही लगता है। वैसे ये पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं, मारियम की बहुत तारीफ करती है। अगर एक बार यहाँ आ जाएंगे तो उसमें हर्ज ही क्या है, हो सकता है कि हमारा काम बन जाए। ये जादू वादू से कुछ नहीं होते, ये सब फेक होते हैं। नहीं रमशा, तुम नहीं जानती, ये जो मिडिल क्लास लड़कियां होती हैं ना, ये जादू टोनों पर ही चलती है। अगर फेक होती तो उसके इतने सारे काम कैसे बन जाते। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं, निहाल जो कुछ कर रहा है उस बीना के कहने पर ही कर। मैं तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस लड़की से पीछा छुड़ाने के लिए करूं तो आखिर क्या करूं। मुश्किल में आ। माफ करिएगा चची जान, मैं आपकी ये बात नहीं मान सकूंगी। मुझे अजलान से बात करनी पड़ेगी, सानिया के लिए उसे समझाना पड़ेगा। किससे फोन कर रहे हो? इस किसी को कर रही हूँ। अगर अजलान को कर रही हो तो कोई फायदा नहीं, वो नहीं उठाएगा। तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती थी, तुम मेरे साथ रुकी। बहनों को शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा जल्दी से कपड़े चेंज करो। क्यों, ठीक तो है कि अच्छे लग रहे हैं? इससे भी अच्छे कपड़े पहनो, चलो जाओ। क्यों बीना, क्यों बीना, कहीं जाना नहीं, जाओ किसी से जाओ। मामा। हाँ मेरी बच्ची, माँ सदकी, शुक्र है तुम कमरे से बाहर तो निकली बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें हासिदों की नजरों से महफूज रखे, हमेशा हमेशा ऐसे खुश रहा करो। अल्लाह ताला हर बुरी नजर से बचाए तुम्हें, बस मुझे तो डर ही लगा रहता है। अच्छा आओ बैठो मेरे पास, बातें करते हैं। नहीं बीना, और मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रही हूँ, बस थोड़ी देर में वापस आ जाए। बाहर? अभी तो तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं हुई सानिया। आप फिक्र मत करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान ना हो, बस थोड़ी देर में आ जाए। मेरी बात कान खोल के सुन रहा था, अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, जान से मार दूंगी तुम्हें। आप फिक्र, ऐसे कुछ नहीं हो। मासूमियत के ड्रामे, ये फिकर रहे कुछ नहीं। और बताओ, घर में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो सॉल्व हुई? कहा यार, पसंद की शादी करना इतना बड़ा जुर्म है, इस बात का अंदाजा मुझे अब हो रहा है। मां ना जितनी भी कोशिश कर ले, आम के दिल में बदगुमानियां कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं। और अंकल वो क्या कहते हैं इस मामले पे? क्या कहना होगा अंकल, सुरता है वो भी। सुन के अफसोस हुआ यार। तुम बस दुआ करो कि मैं सब कुछ अब अच्छे से मैनेज कर लूं। क्या मतलब? मतलब ये कि घर में हर गुजरते दिन के साथ नेगेटिविटी बढ़ती ही जा रही है यार, और मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि मॉम के दिमाग में ये सारी नेगेटिविटी आ कहाँ से रही है। ये सारी नेगेटिविटी तुम्हारी कजन फैला रही है रमशा।
जी हाँ रमशा, वो ही कर रही है सब कुछ। इसलिए बीना मुझे रमशा को वापस अमेरिका भिजवाने का बोल रही थी। यकीनन उसने कुछ फील किया होगा। बिल्कुल, रमशा की कॉल्स आ रही है। ये अक्सर मुझे इसी तरह जानबूझ के कॉल्स करके तंग करती है। तुम्हें सीरियसली उसको बाहर भिजवाना होगा यार, वरना वो बहुत परेशानी क्रिएट कर देगी। चलो अब चाय पी लो अपनी यार, ठंडी हो रही है कब से। हाँ तुम्हारी सास तुम्हारा ख्याल तो रखती है बेटा। जी अलहमदिल्ला बहुत अच्छी है, बहुत ख्याल करती है मेरा। ये तो बड़े नसीबों वाली बात है बेटा। लो अजान भी आ गया। बेटा देखो तो बिना आई है। जो मुझसे खफा है। क्या बेटा कोई सलाम दुआ? कोई इल्तजा है जो लफ्जों से रुची। बिना बेटा तुम अजलान के इस रवैये को दरगुजर कर देना, बस आजकल ऐसा ही हो गया है। कठोर दिल, कड़वा सा, किसी की परवाह नहीं है उसे। मैं तो बेटा समझा समझा के थक गई। आप बेफिक्र रहिए, मैं बात करके आती हूँ उससे। मेहमान के साथ ऐसा सुलूक, इस घर के पहले तो ऐसे सुल नहीं थे। बेकार बातें बंद करो। क्यों आई हो ये बताओ। एक जरूरी बात करने आई। सानिया के नंबर से कॉल्स कर रही थी, क्यों नहीं अटेंड की? बिजी था मैं। इतने बिजी थे कि दो मिनट नहीं निकाल सके? हाँ नहीं थे दो मिनट। और क्यों आई हो यहां पर? मेरी बेबसी देखने या ये देखने कि मैं जिंदा हूं या मर गया? जिंदा हूं मैं, एक लाश जैसे। अब खुश हो तुम? इतना दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए तुम्हें अजमान। मैंने सिर्फ वही किया जो तो तकदीर में लिखा था हमारे। मुझे इन बातों से अब कोई दिलचस्पी नहीं है। और अगर तुम अपने बारे में जानना चाहती हो तो तुम मेरे लिए सिर्फ एक बेवफा हो। इस बेवफा की झोली में भी डाल सकते हो या इतने संगे लोगों के रहम का नहीं छोड़ दिया। क्या चाहती हो? सानिया के लिए तुम्हारा साथ, वरना वो मर जाएगी। बिना कोई किसी के लिए नहीं मरता। याद है मैंने तुमसे भी बहुत कसमें खाई थी, बहुत वादे किए थे कि मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, मार लूंगा खुद को। कुछ हुआ मुझे? नहीं ना।
इसी तरह सानिया को भी कुछ नहीं होगा। बस मुझे कुछ नहीं सुनना बीना, प्लीज जाओ यहां से। याद भेज दोगे तुम्हें? याद है बीना, एक दफा मैं भी तुम्हारे पास आया था, तुम्हें कसमें दी थी, वास्ते दिए थे मैंने, और तुमने क्या किया? मुझे खाली हाथ लौटा दिया था। ठीक उसी तरह आज मैं भी तुम्हें खाली हाथ भेजता हूं। मेरे पास तुम्हें देने के लिए अब कुछ नहीं है।